तो हेलो गाइस, माय नेम इज रोमन एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो आई नो आपने यहाँ पे थंबनेल देखा और आप सोच रहे होंगे कि यार WWE में ऐसे क्या चेंजेस आ गए हैं जिस बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यार बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे चेंजेस आ गए और ये चेंजेस यहाँ पे WWE में कुछ यहाँ पे सालों से ही आने शुरू हुए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इसी साल से ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला चेंज जो आया है WWE ने अडॉप्ट करा, हो सकता है इस चेंज से यहाँ पे WWE और भी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए, और क्या WWE को और करना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस मिलेगी, और क्या चेंज आ गया वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कोई यहाँ पे सस्पेंस नहीं रखूंगा। तो आप लोगों का दोबारा से स्वागत है नंबर वन हिंदी रेसलिंग सोर्स के ऊपर। अगर आपको रेसलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो यार आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए पहले भी ला चुका हूँ और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस यहाँ पे जल्दी आएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से वीडियो पर चलते हैं। इस वाली वीडियोस पर मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात करूंगा। अब देखिए, जो WWE है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ करता था, पहले बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि WWE उन्हीं बंदों को लेता है जो एक्चुअल में लेजेंड्स है, जो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, जो अभी यहाँ पे लास्ट रॉयल रंबल हुआ है उसमें 30 साल के नीचे सिर्फ दो बंदे ऐसे थे जो 30 साल के नीचे, बाकी सब 30 साल से ऊपर है। मतलब सारे ऐसे बंदे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा लेजेंड हैं। इसीलिए WWE लेजेंड्स का यहाँ पे यूज़ करता रहा। आप बात कर लीजिए केन की, अंडरटेकर की, जॉन सीना की, गोल्डबर्ग की, यार उन्हें थोड़ी सी और वॉचिंग मिलती जाए। पर अब क्या हो रहा है, अब WWE थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जो नए टैलेंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं सिजारो हो गए, यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर हो गए, शेमस हो गए, फीड हो गए, रोमन रेंस हो गए, अब ये जो है यहाँ पे हमारे टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं। अब देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाले सुपरस्टार ज़्यादा हमें यहाँ पे उन्हें जो है व्यूज़ नहीं दिला सकते, क्योंकि लेजेंड्स आते हैं तो यार ऑब्वियसली रेटिंग यहाँ पे बढ़ जाती है। पर मैं आपको बता दूँ, AEW के साथ भी यही सीन है। अभी थोड़े टाइम पहले भी यही हुआ था, जब AEW और यहाँ पे WWE में कंपैरिजन किया गया तो AEW में कहा गया था कि बहुत ही यहाँ पे यंग टैलेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रहती है यहाँ पे शो पे, पूरे शो पे। पर यार WWE में यहाँ पे लेजेंड्स आते हैं। अब मैं आपको बता, जो क्राउन जूल्स वाला यहाँ पे मैच हुआ था अंडरटेकर वर्सेस यहाँ पे गोल्डबर्ग को, यहाँ पे मैच हुआ था बीच में, अब कायदे से देखा जाए तो वाला मैच बहुत ज़्यादा अमेजिंग होना चाहिए, तो उसे बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग मिलनी चाहिए थी। पर यार क्या हुआ था, वो मैच बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गया था। मतलब इतनी ऐसी मतलब अजीब अजीब सी यहाँ पे हरकतें हो रही थी, किसी से मतलब उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे जैक हैमर फेल हो गया है, अंडरटेकर यहाँ पे चोक स्लैम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो यार लेजेंड्स का यूज़ तो मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, ये बात WWE को अब समझ आने लग गई है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊँ, तो हल्क होगन, हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हल्क होगन का। अब हल्क होगन बहुत ज़्यादा फेमस थे किस टाइम में, 1980s में, 1990s में, वो फेस ऑफ द कंपनी रहे हैं, वो सबसे यहाँ पे टॉप सुपरस्टार रहे हैं। पर क्या आप उन्हें अभी यहाँ पे WWE में ला के ऐसा कह सकते हो कि इनसे हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। रेटिंग तब बढ़ेगी जब आप अच्छे मैचेस देंगे, और हल्क होगन अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपने प्राइम टाइम में है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक सुपरस्टार को, मतलब एक जनरेशन के सुपरस्टार को, जो जनरेशन आई थी यहाँ पे जॉन सीना, रॉक वाली, अंडरटेकर वाली, केन वाली, वो जनरेशन अब खत्म हो रही है और यहाँ पे नई जनरेशन आ रही है जिसको और भी ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए। अब एक और एक्चुअली फैक्ट ये है, सबसे बड़ा फैक्ट, कि अब हमारे पास फोन है, जो आजकल के बच्चे उनको पबजी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनको यहाँ पे COD में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उनको अपना यहाँ पे जो शो है वो और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो अभी भी देखें। तो नई जनरेशन के लिए नए टैलेंट्स लाना, यंग टैलेंट्स लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो WWE कर भी रहा है और उसको और आगे जाकर यहाँ पे करना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिस जैसे सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा पुश मिलना चाहिए, जो यहाँ पे फीड है उनको तो पुश यहाँ पे मिल ही रहा है। अब जैसे और भी बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे सेथ रॉलिंस है, वो यहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हैं WWE में, तो यार ये ऐसा करना चाहिए WWE को कि अच्छी यहाँ पे स्टोरी लाइन थोड़ी सी और बिल्ड कर दे। तो यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से शो में यहाँ पे फर्क आने वाला है, और अब हमें भी थोड़ी सी यहाँ पे मैच्योर हो जाना चाहिए, हमें नई स्टेक रहना चाहिए कि यार हमारे तो यहाँ पे लेजेंड्स जब यहाँ पे रिटर्न करेंगे तभी हम जो है यहाँ पे WWE देखेंगे। अब जैसे ऐज आए तो यहाँ पे रेटिंग बढ़ गई, अब कोई नॉर्मल मैच चल रहा है, सुपरस्टार बड़े नहीं है, सुपरस्टार लेजेंड नहीं है, पर मैच अच्छा तो बंदे देख नहीं रहे। अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल यहाँ पे जो फाइट्स पे यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए, हालांकि इस पे नहीं कि कोई लेजेंड आ रहा है तो ही हम देखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब हो सकता है कि आपको सिर्फ लेजेंड्स ही पसंद हो, आपको अंडरटेकर को देखना ही पसंद हो, रॉक को देखना पसंद हो, तो यार वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपको वैसे WWE को देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहूँगा कि अब WWE ने बहुत सही यहाँ पे मूव करी है, अब थोड़े से और भी नए टैलेंट्स को यहाँ पे लाना चाहिए। आई होप वो यहाँ पे NXT से कुछ और अच्छे सुपरस्टार को लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने बस यही आपको बताना था कि अब WWE का थोड़ा सा यहाँ पे शो चेंजेस होने वाले हैं, अब हमें वो नए पुराने वाले लेजेंड्स नहीं बल्कि नए टैलेंट्स भी हमें यहाँ पे दिखने चाहिए। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई और आप अगर एग्री करते हो इस वाली वीडियो से, तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा नई वाली वीडियो में, और किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए नीचे यहाँ पे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।